जनपद जालौन के ओरई क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेश सोनकार जी हमारी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे आखिर ये एक्सीडेंट हुआ। जी देवेश जी, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? दरअसल प्रशांत जी, हम आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र की ज्ञान भारती चौकी के सामने आया है। जब गश्त के दौरान ज्ञान भारती चौकी प्रभारी अपने हमराइयों के साथ हाईवे पर चल रहे थे कि अचानक से गैरेज से निकलकर एक ट्रक हाईवे पर आ गया है और उस ट्रक को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलटी है और इसमें ज्ञान भारती चौकी इंचार्ज और दो हमराही घायल हुए हैं। जी, तो इस एक्सीडेंट में किसकी गलती मानी जा रही है? क्या ट्रक वाले की गलती थी? बिल्कुल प्रशांत भाई, ये ट्रक वाले की ही गलती थी। उसने इधर देखा ना उधर देखा और सीधा सा ट्रक को हाईवे पर एकदम से ले आया। वो तो अच्छा रहा कि ज्ञान भारती चौकी का जो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, उसने सजगता दिखाई और खुद को बचाया, दूसरों को भी बचाया। मतलब अगर ट्रक में अगर एक्सीडेंट हो जाता तो शायद ये कैजुअलिटी और बड़ी हो सकती थी, दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। आनंद-फानंद में राहगीरों ने उसमें मदद की और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका प्राथमिक इलाज उनको दिया जा रहा है। जी, तो आपकी बात हुई है थाना प्रभारी जी से, कितनी गंभीर चोटें आई हैं थाना प्रभारी जी को और उनके हमराहियों को? प्रशांत भाई, इसमें गंभीर चोटें किसी को नहीं आई हैं, लेकिन मूंदी चोट यानी मामूली चोटें जो होती है, अंदरूनी जो चोटें होती हैं, वो तीनों लोगों को आई हैं। बाकी उनका इलाज चल रहा है और तीनों के तीन खतरे से बाहर हैं। चौकी गार्ड भी खतरे से बाहर है और दो हमराही हैं, दोनों खतरे से बाहर हैं, सकुशल हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं आई इस एक्सीडेंट में। अदरवाइज अगर आप गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी पूरी पलट चुकी है। जी प्रशांत भाई, जिस तरीके से गाड़ी की स्थिति है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी दुर्घटना होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि इन पुलिस कर्मियों को सिर्फ अंदरूनी चोटें आई हैं, बाकी सब सुरक्षित है और सब कुशलता से है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। तो ये थे हमारे संवाददाता जालौन से देवेश सोनकार, जिन्होंने घटना की जानकारी हमें बताई। आगे की खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ।